एक प्लेट लिए हैं, इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइज का गाजर जिसे एकदम हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं, आधी शिमला मिर्च इसे भी हम एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, ये मेरी लाल वाली शिमला मिर्च है, तीन हरी मिर्च लिए हैं, अचार का लिए लहसुन का, ये सबको इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच बटर, दो चीज़ क्यूब लिए हैं, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और बटर में भी नमक होता है। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक ब्रेड लेंगे तैयार किया हुआ स्टफिंग्स को, इसके चारों तरफ एकदम अच्छे से लगाएंगे। देखिए यहाँ स्टफिंग्स हम चारों तरफ ब्रेड में अच्छे से लगा दिए। इसी तरह हम सभी ब्रेड में स्टफिंग्स लगा करके तैयार कर लेंगे ब्रेड को, इसे प्लेट में रख देंगे। यहाँ दोनों ब्रेड पे स्टफिंग्स लगा के हम तैयार कर लिए हैं। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, उस हिसाब से अपना स्टफिंग्स तैयार कीजिएगा लगाने के लिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच घी। इसमें बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बटर डालने से हमारा ब्रेड क्रिस्पी नहीं होगा, हल्का नरम हो जाता है। घी डालने से बहुत अच्छा नीचे से क्रिस्पी होता है। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अब तैयार किया हुआ ब्रेड इस पैन में रखेंगे। लीड लगा करके हम 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। इसको पकते हुए 3 मिनट हो चुका, चलिए इसका लीड हटाते हैं। वाओ, चीज़ कितना अच्छा मेल्ट हो चुका है, कितना मस्त दिख रहा है ना। अब इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, हम चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे क्योंकि यह चिली गार्लिक टोस्ट है तो इसमें हम चिली का भरपूर इस्तेमाल किए हैं। अब इसे हम कट करते हैं सर्व करने के लिए। ये लीजिए हमारा चिली गार्लिक चीजी ब्रेड टोस्ट बनके तैयार हो चुका, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मजेदार लगता है। देख रहे हैं, लग रहा है ना कितना। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।